आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद, मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। यूपी में योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आईआईटी कानपुर में बनेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आईआईटी कानपुर में 20 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ड्रोन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यहां हर वर्ष 20 स्टार्टअप को सहयोग दिया जाएगा और 100 ड्रोन पायलट को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए आईटी व इलेक्ट्रॉनिक विभाग, आईआईटी कानपुर और यूपीडा मिलकर 20 करोड़ का अंशदान करेंगे। यूपी के 75 जिलों में 800 मदरसे अवैध, प्रयागराज में की गई करोड़ों की फंडिंग, सबसे अधिक मुरादाबाद में 175 मदरसे मिले फर्जी। यूपी में मदरसा सर्वे का काम जारी है, लेकिन इस बीच जो खबरें आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। अब तक हुए सर्वे के मुताबिक यूपी के 20 जिलों में करीब 800 मदरसे अवैध रूप से चलते हुए मिले हैं। सर्वे के दौरान सर्वे की टीम को कई जगह ना तो मदरसे से जुड़े दस्तावेज मिले, ना फंडिंग कहां से आती है इसका कोई सुराग मिला। कई जगह तो बिना भवन के ही मदरसे चलते हुए मिले। बात प्रयागराज की करें तो 10 दिनों की जांच में 70 मदरसों में से 25 ऐसे मदरसे मिले जो नियम के विपरीत चल रहे थे। सबसे अधिक मुरादाबाद में 885 अवैध मदरसे पाए गए, जिसमें से 175 बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे। स्टार्टअप के लिए 4000 करोड़ का बनेगा इनोवेशन फंड, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। यूपी में अधिक से अधिक स्टार्टअप स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए जल्द ही 4000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। इस फंड में प्राविधिक विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा भी 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह निवेश 2 से 3 वर्षों में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस इनोवेशन फंड से प्रदेश में स्टार्टअप को और अधिक विस्तार मिलेगा। यूपी सरकार का बड़ा निर्णय, डेयरी सेक्टर में 5 सालों में 5000 करोड़ का होगा निवेश, हर साल 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 को हरी झंडी दे दी है। नई नीति के अंतर्गत अब यूपी में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 5 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 5 सालों के लिए 10 करोड़ रुपए ब्याज पर अनुदान भी दिया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। तो वहीं वर्तमान में मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को 44% से बढ़ाकर 65% तक कराना है। इससे जहां प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ेगा तो वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी के प्रयागराज में मुस्लिमों ने फाड़े भगवा झंडे, हिंदू देवी देवताओं पे की आपत्तिजनक टिप्पणी, मियां बाजार को हिंदू विहीन करने की दी धमकी। प्रशासन की शक्ति के बाद भी मुस्लिम चरमपंथियों की मानसिकता है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। ताज़ा मामला यूपी के प्रयागराज के मुनोपुर गांव का है, जहां मुस्लिम युवकों ने रामलीला मैदान के गेट पर लगे भगवा झंडे को फाड़ दिया। तो वहीं हिंदू देवी देवताओं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए मियांपुर बाजार को हिंदू विहीन करने की धमकी तक दे डाली। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद फैज, गुड्डू, वसीम, शाहरुख, अराफत खान, आसिफ अली, असगर अली, मोनिश व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी के आगरा में राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने तोड़ा मजार पर बना अवैध निर्माण, रेलवे की जमीन पर खड़ी कर दी थी दीवारें। यूपी के आगरा में दावत साहिल मैरिज होम ने दुर्गा मंदिर में फेंकी हड्डियां और मांस, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती बोले, घर वापसी और मतांतरण के लिए जल्द बनेगी हिंदू आचार संहिता। यूपी के मेरठ में गौकशी करने वाले आरोपी पर यूपी पुलिस का शिकंजा, अकबर बंजारा के भाई समेत 67 गौ तस्करों की संपत्ति होगी जब्त। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वर्शिप एक्ट को दी चुनौती, इस मामले में 14 नवंबर को होगी सुनवाई। दीपावली से पहले केदारनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, चमोली में सैन्य अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।